अगर आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई व्लॉगिंग करते हैं या मतलब किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता होगा, वो ये है कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑडियो क्वालिटी। मतलब ऑडियो अच्छी नहीं है तो भैया पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे हो जाती है बर्बाद। और इसकी बात करें तो मेरे पास आ गया है एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जिसका नाम है बोया BY-M1 मॉडल है ये, और ये एक माइक्रोफोन है जो काफी अच्छा काम करता है। इनफैक्ट अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो या इस वीडियो में सुनोगे वो इस माइक्रोफोन के थ्रू ही हो रहा है। तो चेकआउट करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और क्या है इसके अंदर खासियत, ये सब देखते हैं इस वीडियो के अंदर। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। देखो यहाँ पे अगर हम डिटेल्स देखें इस माइक्रोफोन की तो यहाँ पे ऊपर सब कुछ प्रिंट किया हुआ है। बाय द वे जो मॉडल का नाम है वो है BY-M1 बोया का माइक्रोफोन है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो साफ साफ कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन है या वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वहाँ पे ये काफ़ी फैंटेस्टिक साउंड क्वालिटी आपको देता है। कंपेटिबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो देखो साफ साफ प्रिंटेड है कि भाई फ़ोन के साथ, टैबलेट के साथ, लैपटॉप के साथ, कैमरे के साथ और वीडियो रिकॉर्डर के साथ ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है और साइड में भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेन जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके जो फीचर्स हैं वो बेसिकली क्या क्या मिल जाते हैं आपको। तो देखो यहाँ पे साफ साफ है क्लिप ऑन माइक है, मतलब क्लिप करके काम करता है ये, जैसा आपने भी वीडियो में देखा होगा। DSLR है, कैमकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर है, PC वगैरह इन सबके साथ काम करता है। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है इसमें जो कि काफी फैंटेस्टिक साउंड क्वालिटी आपको देता है। यहाँ पे लो हैंडलिंग नॉइस है यहाँ पे, तो नॉइस भी काफी कम होगा। और चलो फिर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अंदर क्या कमाल की चीजें निकलती हैं। तो इसके अंदर से निकलता है ये ब्लैक कलर का बैग, यहाँ पे भी बोया की ब्रांडिंग वगैरह देखो अच्छे से की हुई है। उसके बाद ये पाउच बैग है, मतलब इसमें आप जितने भी इसके अंदर के सामान है उसको एक साथ रख सकते हो। अगर बाकी देखें तो यहाँ पे कुछ आपको मैनुअल ब्रोशर मिल जाता है कि भाई कैसे काम करना है, वारंटी कार्ड मिल जाता है। ओके, बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें निकल के आती है बाहर, जिसमें ये रहा आपका भाई पूरा माइक्रोफोन। जो केबल की लेंथ है यहाँ पे वो होती है लगभग 20 फीट की, मतलब काफ़ी लंबी केबल है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इसके जैक की तो ये गोल्डन जैक मिलता है जो कि रस्ट फ्री होता है और इसमें जो साउंड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रोवाइज हो जाती है, तो ये इसमें अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिप मिलता है जो इसको ऐसे टाई करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद ये मिल जाता है आपको आपका माइक्रोफोन, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो तो इसके अंदर पोर्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है जिसको बोलते हैं नेविगेटर स्विच, ऊपर कैमरे के लिए और नीचे स्मार्टफोन के लिए। तो इन केस आप कैमरा या वीडियो रिकॉर्डर वगैरह यूज करो तो इसको ऊपर करो, स्मार्टफोन के साथ यूज करना है तो इसको आप नीचे करके यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है एक मिनी पाउच जिसके अंदर आपको बाकी का सामान मिल जाता है। तो इस पाउच को फर्दर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाती है एक बैटरी जो कि इसमें यूज होती है जिसका टाइप है LR44। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक जैक, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फॉर्म जो कि माइक्रोफोन के ऊपर प्लग किया जाता है ताकि ये नॉइस कैंसिलेशन में काफी हेल्पफुल हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लिप जिसको आपको प्लग करना होता है आपका माइक्रोफोन में और उस क्लिप के थ्रू शर्ट्स वगैरह पे या कहीं भी इसको क्लिप ऑन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो है क्लिप ऑन माइक। तो भाई ये चारों सामान आता है, इसमें जल्दी से हम कर लेते हैं इसकी असेंबलिंग और फिर उसको लेते हैं काम में। तो सबसे पहले आपको लगाना होता है ये फॉर्म, तो फॉर्म हमने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट। उसके बाद बात आती है इस क्लिप को लगाने की, तो इसको आपको यहाँ पे ऊपर माउंट करना होता है। तो बैटरी के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है इसको ओपन और यहाँ पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी का होता है पोर्शन, तो यहाँ पे आपको ये आपकी बैटरी करनी होती है इंसर्ट। तो ये भाई हमने कर दी यहाँ पे इंसर्ट। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे इसको कर देना होता है लॉक और ये आपका यहाँ पे माइक हो गया रेडी। तो यार ये थी पूरी वीडियो बोया के माइक्रोफोन के बारे में। अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो, इवन सॉन्ग रिकॉर्ड करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, गाने वाने का शौक है, प्रेजेंटेशन का शौक है, प्रेजेंटेशन देते हो तो वहाँ पे भाई आपको माइक्रोफोन चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ नॉइज कैंसिलेशन वो थोड़ा सा कम है, उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। तो एक मिड रेंज में सस्ता सा माइक्रोफोन चाहिए तो गो ऑन विद दिस। अगर आपके पास ऑलरेडी बोया का माइक्रोफोन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना क्योंकि ये हेल्प आउट करेगा दूसरे लोगों की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।